हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, प्लांटेशन फील्ड पार्टिसिपेशन। प्लांटेशन फील्ड पार्टिसिपेशन मतलब हम क्या देखने वाले हैं, हम बेसिकली प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में देखने वाले हैं कि वो किस तरह से इस मूवमेंट को देख रहे थे, वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवमेंट में आए थे और वो किस तरह से उनका स्वराज का अपना खुद का मीनिंग था। और एक चीज देखेंगे, दैट इज मूवमेंट कॉल ऑफ क्यों होता है, ये मूवमेंट बंद क्यों होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनका भी अपना खुद का एक नोशन था। एज वी डिस्कस अर्लियर इन द वीडियोस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट मीनिंग या नोशन ऑफ स्वराज, राइट। जैसे कि टाउन्स में हो गया, उनके अपने नोशन थे स्वराज के। कंट्री साइड में अवध पीसन हो गए या आंध्र प्रदेश के ट्राइबल पीसन हो गए, उनके अपने नोशन थे स्वराज के। वैसे जो ये प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम के, इनके भी अपने नोशन थे स्वराज के, दैट इज दे हैड देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज। अब स्वराज का मीनिंग क्या होता है, दैट इज इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, राइट। सो उनका फ्रीडम का मीनिंग क्या था, उन्हें क्या फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम वॉज इक्वल टू, दैट इज दे कैन मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस दैट वर दे वर एनक्लोज। मतलब क्या, एक एरिया था, एक प्लांटेशन फील्ड था जिसके अंदर उनको बंद किया जाता था। मतलब क्या, उन्हें कैदी की तरह रखा जाता था कि मतलब वो काम तो करेंगे उधर, बट दे कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट प्लांटेशन फील्ड। ये बेसिकली उनका एक ऐसा रूल था जो हम आगे देखेंगे। ये था, दैट इज कि उनका एक फ्रीडम का मीनिंग ये था कि वो फ्रीली इन एंड आउट मूव कर सके, जो कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पर उनको एनक्लोज किया गया, उसके बाहर भी वो जा सके, वहाँ पर भी वो थोड़ा सा घूम फिर सके, वहाँ पर भी वो थोड़ा सा जा सके आउटसाइड द एनक्लोज एरिया, राइट। अब ऐसा फ्रीडम मीनिंग क्यों, ऐसा फ्रीडम का आइडिया क्यों, बिकॉज देयर वॉज एन एक्ट दैट enclosed them inside a confined area, inside a plantation field, that was Inland Immigration Act of 1859. अब ये Inland Immigration Act क्या कहता है, जो workers है, they are not allowed to leave the tea garden or the plantation field without the permission. आप बिना permission के, आप ये जो tea garden है, plantation field है, इसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, राइट। नाउ सच परमिशंस वर हार्डली गिवन, राइट। ऐसी परमिशंस दी ही नहीं जाती थी। और यहाँ पर क्या बताया गया था कि ये जो आसाम के वर्कर्स थे, वो टी गार्डन में बंधे हुए थे, दे वर एनक्लोज्ड विद इन द टी गार्डन, और वो बिना परमिशन के नहीं जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर आसाम का बताया गया तो उसी से रिलेटेड लेते हैं। अब कोई है बंदा महाराष्ट्र का, राइट, उसका होम टाउन है महाराष्ट्र, और यहाँ पर आके उसको ऑफर मिलता है कि आपको ऐसा ऐसा काम है, एज ए प्लांटेशन वर्कर आपको टी गार्डन में वर्क करना है। वो आसाम में जाता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो टी गार्डन के बाहर अभी पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं जा सकता विदाउट दी परमिशन, एंड ऐसी परमिशन तो मिलने वाली है नहीं, राइट। सो इस तरह से कुछ ऐसा काम चलता था जिसमें वर्कर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे टू लीव द टी गार्डन, ओके। सो देखिए क्या हुआ, अभी सडनली क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया। अब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने छोड़ दिया। वो थाउजेंड्स ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशन एंड दे बिलीव दैट गांधी राज इज कमिंग, राइट। सो क्या हुआ, अभी जो हजारों की तादाद में प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिए, प्लांटेशन फील्ड छोड़ दिए और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अब उन्हें क्या लगा कि गांधी राज आ रहा है। गांधी राज मतलब क्या, कि गांधी जी अभी हमें मतलब जो उनका फ्रीडम का मीनिंग था वो दिला देंगे, अब फ्रीडम दिला देंगे। सो उन्हें लगा गांधी राज आ रहा है, हमें फ्रीडम मिल जाएगा, सो अब यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्हें क्या लगा, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि हर एक जो प्लांटेशन वर्कर है उसे अपने ही विलेज में एक जमीन मिल जाएगी काम करने को, राइट। ये पॉइंट समझ में आया, उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो हजारों प्लांटेशन वर्कर्स ने प्लांटेशन छोड़ दिए और उन्हें लगा कि अभी गांधी राज आ रहा है, हमें फ्रीडम मिलेगा, सो वैसे भी यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे और उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि सबको, एवरी वन वुड गेट अ पीस ऑफ लैंड इन देयर ओन विलेजेस, राइट।
क्योंकि वो अपने विलेजेस से आसाम में गए थे और आसाम में अटक के रह गए ड्यू टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, राइट। सो उन्हें लगा कि हमारी ही विलेज में हमें एक लैंड, पीस ऑफ लैंड मिल जाएगा जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। बट क्या हुआ, देखिए, वो अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुंचे ही नहीं। जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पर पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बीच में ही पकड़ा जाता था और जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी ऑफिशियल्स थे, वो उन्हें ब्रूटली मारना स्टार्ट कर देते थे। मतलब क्या, वो हेड हो रहे थे अपने, दे वर हेडिंग टूवर्ड्स देयर होम, राइट। सो इन द मिडवे ऑफ देयर डेस्टिनेशन वेयर दे आर गोइंग, इन द मिडवे दे वर कॉट एंड दे वर ब्रूटली बीटन। उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा जाता था। वाई? बिकॉज उन्होंने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का जो लॉ था, जो जिसके थ्रू वो बंधे हुए थे, वो लॉ तोड़ दिया और उसके वजह से विदाउट परमिशन वो सब टी गार्डन को छोड़ के गए। इसीलिए क्या हुआ, उन्हें ब्रूटली मारा गया। अब क्या हुआ, देखिए, इस तरह से मूवमेंट चला उधर, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँच ही नहीं पाए, तो मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि बीच में ही उनको पकड़ के मार दिया जाता था या बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता था। पर देखिए, इसमें एक छोटा सा साइन क्या लिखा, दे वर ऑल इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन एंड वर डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, राइट। मतलब क्या, इमोशनली सब एक ही चीज को रिलेट कर रहे थे, दैट इज ऑल इंडिया एजिटेशन, एंड सब एक ही चीज डिमांड कर रहे थे, स्वतंत्र भारत। तो ये एक पॉजिटिव चीज निकल के आई।